क्या आप भी मोबीक्विक यूज करते हैं और आपको जीप पे लेटर के द्वारा कुछ अमाउंट मिला हुआ है जिसको आप खर्च करके 15 डे के अंदर पे कर सकते हैं? तो क्या आपने भी उसके अंदर से खर्च कर दिया है, अब उसका बिल चुकाना है? और मेरी तरह अगर आपने भी गलती से खर्च कर दिया है तो उसको बिल कैसे चुकाए, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आ गए हैं हम हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको पेमेंट है वो किस तरीके से पे करना है। तो सबसे पहले आपको मोबीक्विक ओपन कर देना है। अब आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। अगर आपने पैसे खर्च कर दिए हैं तो जैसे ही बिल सेटल होगा उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा, तो आप मैसेज के द्वारा पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ से आप पे कर सकते हैं क्लिक करके, और ऊपर जब आप मोबीक्विक खोलेंगे सबसे ऊपर भी एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से पे करेंगे। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो फर्स्ट टाइम में लॉक हो जाती है जब आप कोई खर्चा करते हो उसके अंदर से। मेरी 4000 की लिमिट है तो उसमें से लॉक हो चुका है अमाउंट, जो कि मैं बाद में खर्च अभी नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी का 1600 रुपये पहले मेरे को बिल सेटल करना होगा। मेरा बिल जो अमाउंट था वो था 2400 का, और बाकी के 83 मतलब 99 रुपये फर्स्ट टाइम ये बिल के ऊपर लेता है, और बाकी के जो पैसे हैं जैसे 14-15 रुपये वो मेरे वो भी कोई वॉलेट से कट गए थे। तो ये अब आपको पे करने जाओगे तो इस तरीके से आएगा। नीचे आपको पेमेंट का इंश्योरेंस दिखाएगा, उस पर क्लिक नहीं करना है आपको। यहाँ पर इंश्योरेंस पे अब कंटिन्यू करना है। फिर आपको जो अपना मोड है पेमेंट का वो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं अब बैंक ऑफ बड़ौदा UPI से पेमेंट कर रहा हूँ, तो अभी आपको जो आपके UPI पिन नंबर है वो यहाँ पर डाल देने हैं। तो मैंने भी अपने UPI के पिन नंबर डाल दिए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि अमाउंट कैसे इसमें लोड होता है। तो अभी प्रोसेस हो रहा है और अमाउंट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है मोबीक्विक को। मैं फर्स्ट टाइम इधर से यूज किया है इसको अकाउंट को खोलने के बाद, और वो भी गलती से यूज हो गया। तो हमारा जो अकाउंट जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो अब देखते हैं पीछे जो हमारी लिमिट विमिट है वो सब चली गई या फिर आ रही है। तो जब मोबीक्विक जो एप्लीकेशन है उसमें अभी तक थोड़ी देर तक ये दिखाएगा कि आपका पेमेंट अभी बाकी है, पर उसमें जैसे ही आप जाओगे आप दिखा देगा नो ट्रांजेक्शन या फिर कुछ भी आपका पैसा बाकी नहीं है। यहाँ पर ये थोड़ी देर शो करेगा फिर स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वापस से 4000 अमाउंट आ गई है, हमको 4000 की लिमिट मिली हुई है। तो 4000 वापस से हमको मिल चुके हैं। और जो ये ऑटो पे है ना, ऑटो पे इसको बंद रखना चाहिए हमें। मेरा ये ऑन था और मैं जब रिचार्ज पे गया तो ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो गया। तो ये मेरा लगभग 2500 का नुकसान हो गया। तो आपको इसको ऑफ रखना है। जब आपको इससे पेमेंट पक्का जैसे इससे ही करना है तो इसको ऑन करके इससे पेमेंट कर देने का। तो बस आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो को देखने के लिए।